दमोह की जटाशंकर कॉलोनी के इस बजरिया वार्ड नंबर 6 में रहने वाले टीकाराम अहरवार के घर में आग लग जाने के बाद उसकी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय युवक टीकाराम अकेला था। इसी दौरान यह आग लगी। वहीं आग को बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया, लेकिन तब तक गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। यहाँ पे मैं जटाशंकर धाम में था। मैं जब वहाँ से आया तो यहाँ आके देखा कि मेरी एक टपरिया थी जिसमें रहता था मैं, यहाँ आग लगी हुई थी। यहाँ मोहल्ला पड़ोस के उसमें पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये आपका घर है? जी। क्या नाम है आपका? लोकराम। अच्छा, तो जब आप आए थे तो यहाँ पर आग जल रही थी? जी। अच्छा, आप कहाँ गए थे उस समय? जटाशंकर धाम। क्या करने? मांगने खाने। आप कहाँ पे थे उस समय जब ये आग जनी हुई थी? हम तो घर थे, हमने देखी आग लगी। देखो तो हमने सब चिचियाओ अभी से घंटे में आए, हम दौड़ो, हम तो जाए क्या, ये दौड़ रहे, आग लग गई तो सब दौड़े। अच्छा, यहाँ एकदम आग जल रही थी? आग जल रही थी, जा रही थी आकाश भज जा, सही में सब जल गए। आग पर काबू पे कैसे पाया आप लोगों ने? मतलब सब मोहल्ला वालों की, सब ने पानी डालो, मोहल्ला वालों की मदद से बाल्टियों से डाला, किसी कोई मोटर ले आया कुएं में लगाई। अच्छा, अंदर एक डेढ़ घंटे में आग बुझी, कुछ नहीं बचा, ना बिस्तर, ना खाने पीने का सामान, कुछ भी नहीं। अच्छा, सब जल गया है जी। युवा व्यापारी संघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में यहां पर युवा व्यापारी संघ के लोगों के साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच प्रीति भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के लोगों की मौजूदगी रही। We'll be right back.
चमेली का चमेली का गोरी आज बड़े गर्व की बात है कि जिला व्यापारी महासंघ के बैनर तले आज हमारे बड़े भाई कैलाश सिलौरिया जी सैलार जी भी हमारे पटेरा संघ के अध्यक्ष स्वप्निल सिंघई जी शिवा तामकर जी भैया थोड़ा सा बताते चलो पटेरा की बहुत सक्रिय टीम है बानकपुर और पटेरा की। इसके बाद हमारे काना तामकर जी भी हमारे बीच में संघ चलाते हैं कुछ पद स्वप्निल सिंघई जी उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। लगभग एक साल होने जा रहा है पूरी टीम बहुत सक्रिय है हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े व्यापारी की छोटी सी छोटी समस्याओं को वो शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं उन तक उन्हें। दमो विधानसभा उपचुनाव के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी को स्थानीय मतदाताओं के रोष का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दमो पहुंचे मंत्री जी ने कहा कि मतदाताओं में कोई रोष नहीं है लेकिन नेताओं में जरूर रोष है और नेताओं को मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हमने कही कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लोग अपनी बात कहते हैं उनका समुचित जवाब दिया जाता है। मतदाता नाराज कोई मतदाता कहीं नाराज नहीं, नेता नाराज, मतदाता कहीं नाराज नहीं। नेताओं के मन में कई प्रकार की बातें रहती हैं, वो सामने आती हैं। हम पिछले और भी चुनाव लड़ चुके हैं, देख चुके हैं और सबके हम तासीर भी जानते हैं। मैं यहाँ मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैंने बहुत से सब देखा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी है। सब ठीक है और बहुत तेज गति से हम चुनाव जीत रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इसको बताया कि लोगों ने इसको टैग भी किया है, आपका विरोध किया गया, तो क्या कहेंगे? विरोध नहीं किया गया, विरोध कहीं नहीं किया गया। वो कुछ बातें हम बता रहे थे तो मैंने उनको समझा दिया। हमने कहा बहुत से लोग तिरंगा लेके घूम रहे हैं, अब वो कब तक दो रंग में आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आने वाले समय में बीडी भाई साहब के साथ वो सब जितने लोग थे वो सब ज्वाइन करने वाले हैं। हटा मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर खड़रपुर गांव में रेस्क्यू करके नंदी को बाहर निकाला गया। दरअसल यह दो नंदी आपस में लड़ते हुए सूखे कुएं में जाकर गिर गए। जब गौ सेवकों को इस मामले की जानकारी लगी तो अंशुल तिवारी के साथ करीब 10 अन्य लोगों ने करीब 10 साल से जो गौवंश को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ पर पहुँच करके कुएं में उतर करके गौवंश को नंदी जी को कुएं से बाहर निकाला। Yeah.
सिंह पकड़ लो बंद होना जैसे आचार संहिता हट गई वो वर्षी यार कल देख गए आचार संहिता हटने के बाद थोड़ी दीवार ऊंची कर के और बाकी हरदा से ढाक गए। अभी थोड़ी व्यवस्था है इमरजेंसी में दो तीन ट्राली पत्थर लगा के खतरी टाइप से लगा दे रहे ताकि और दूसरे पशु ना गिर रहे। हमारी यादों से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर पाली पंचायत में ग्राम खड़पुरा में तकरीबन कुएं में सूखे कुएं में तकरीबन 25 फीट गहरे कुएं में दो नंदी जी लड़ते हुए गिर गए थे। यहाँ के गौ सेवकों द्वारा खबर मिली, सुरभी गौ रक्षा समिति के सदस्यों की सहायता से नंदी जी को और बाहर निकाला गया। बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं। रामबाई सिंह के द्वारा अपने घर पर सैकड़ों महिलाओं को बुलाया गया और उनसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की गई है। मालूम हो कि सबसे पहले रामबाई सिंह परिहार ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब वो भाजपा के साथ हैं और दमोह में होने वाले उपचुनाव के दौरान वे भाजपा का समर्थन भी कर रही हैं। हमको बुलाया है लड़किया, वो हम आई, हम उसकी बात मानते हैं और हमें अपने तीन काम करवाने हैं। तुमने करवा हो तो हम रामबाई से करवा ले हैं, सुन लाई, और जहाँ रामबाई के हैं हम उठे वोट दे है। विधायक जी ने आपसे जो अपील की है आप स्वीकार है आपको? हमको स्वीकार है। आप उनकी बात से सहमत हैं? सहमत है हम, और सब भाई हरे हो सहमत तो हाँ तो कर दो ऐसा सहमत हो सब। बुलवाया था आप लोगों की क्या राय है भाजपा के लिए वोट के लिए? यही राय है जो दीदी बोल रही हैं कि बीजेपी में वोट देना है तो उसी पे देंगे, लेकिन दीदी जो कह रही हैं जो आपकी जरूरत है वो हम आपको पूरी करेंगे, तो दीदी के कहना पे हम बीजेपी में वोट देंगे। 200 औरतों इकट्ठी हुई हैं और विधायक जी के कहने पर आप लोग किसको समर्थन करेंगे? हम तो दीदी को समर्थन कर रहे हैं, दीदी की मान रहे हैं कि वोट जहाँ के हैं होता ही डाल है। अच्छा, दीदी आप ने पहले से हमारे अच्छे काम करे हैं। अच्छा, आप विधायक जी के कहने पर भाजपा के लिए ये सारी औरतें वोट करेंगी? हाँ, सारी औरतें करेंगी, जैसी मैं बोलेंगी वैसे करेंगी। 2 अप्रैल को भारत बंद की बरसी के अवसर पर विभिन्न संगठनों के राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा अम्बेडकर चौराहा पहुँच करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई, मोमबत्ती जलाई गई, साथ ही उस
भारत बंद की बरसी मनाई गई। इस दौरान भारत बंद की बरसी के अवसर पर क्या कहा नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो दो वर्ष पहले भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, जिसमें हमारे वर्ग के बहुजन समाज के 13 लोगों ने शहादत दी थी, उसी के उपलक्ष्य में ये आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और ये हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ आए हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। और उन मक्कारों को बताना चाह रहे हैं जो SC ST का लाभ ले रहे हैं और आज जो घरों और मकानों में सो रहे हैं, कि वह शहादत जो 13 लोगों ने दी है, 13 बच्चों ने दी है, आज उसी के कारण आज आपका SC ST एक्ट बचा हुआ है। तो साथियों, मेरा और मेरे साथियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से उन्हें शहादत दी है, कुछ ना कर सकें तो इस शहादत में उनको याद करते रहें, वो कभी भूलें ना। और एक और जो बात आई ऊपर से चल के राष्ट्रीय नेतृत्व से, हम लोग पूरे ज़िले में जो 13 लोग शहादत दी थी 2 अप्रैल को, उन 13 लोगों के स्मारक तो नहीं बना सकते क्योंकि 13 काफ़ी होते हैं, लेकिन एक आज हम लोग यहाँ संकल्प करके जाएंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि प्रत्येक 52 जिले में एक एक, जिस प्रकार से विजय स्तंभ हमारे पूना में बना हुआ है, उसी प्रकार से एक एक स्तंभ शहीदों की याद में हम लोग बनाएंगे। ये हम लोगों का आज संकल्प है, वही संकल्प लेने आए। मैं जो हमारे OBC SC ST वर्ग के जो संवैधानिक अधिकार के मुद्दे हैं, उस विषय पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जो OBC SC ST और अल्पसंख्यक, इनके जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और हमारे SC वर्ग को जो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, और आपके भू अधिकार आदिवासियों का विषय है, और हमारा जो बजट OBC के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं होता है, जबकि 65% जनसंख्या भारत में OBC है। मध्य प्रदेश में भी हमारा जो आरक्षण है वो है होना चाहिए, इसको 14% दिया जा रहा है, मिलता 4 है। और सर्वप्रथम मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2014 में पिटीशन फाइल की गई थी, वो विषय है कि हमारे पूरे अधिकार हम लोगों को दिए जाएं जो हमारे यहाँ के जो ये वर्ग हैं। दूसरा हमारा जो मुद्दा है 1842 क्रांति का था, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1842 क्रांति है, राजा हृदयशाह लोधी, वो मेरे द्वारा सर्वप्रथम भारत देश में उठाया गया था। उसके बाद राइट टू वाटर, हम एक विषय खड़ा कर रहे हैं कि आम जनता को जैसे राइट टू फूड का अधिकार है, इसी तरीके से राइट टू वाटर का अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन दमों से 2 लाख लोगों का होता है रोजगार के लिए। अभी तक के नेता, वर्तमान नेता और पूर्व के नेता, इन लोगों ने इस पलायन को रोकने के लिए कुछ स्टेप नहीं उठाए हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मजदूरी मांगने के विवाद पर एक मजदूर के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरान में जब एक मजदूर के द्वारा अपने मालिक से मजदूरी की मांग की गई, जिसको वह खेत जोतता था, वहाँ पर काम करता था, लेकिन मालिक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं घायल मजदूर के परिचितों का कहना है कि उसे मारने की कोशिश भी की गई है। क्या है पूरा मामला, इस मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस ने भी जानकारी दी। अभी एक सारा बंद है,
मजदूरी का पैसा मांगने गए थे खेत पर, तो उन लोगों ने मारपीट की और हार्वेस्टर से कुचलने की कोशिश की, और इसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो हम लोगों को देखकर भाग गए। कौन है ये? वो काके सरदार हैं, गोपाल सिंह और काके सरदार, और का नाम से उनके दो भतीजे हैं। किस क्षेत्र का मामला है ये? देवरान क्षेत्र का है। कितने पैसे थे, कितने पैसे लेने थे आपको मजदूरी के? पैसे 5-6 लाख के लगभग। मजदूरी पहले ठेके पे खेती लेती थी, उनकी माल भी उनके यहाँ जमा कर दी थी, तो उस बार क्या उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और खेती भी दूसरों को दे दी। पैसे मांगने गए तो उन लोगों ने फिर मारने की कोशिश की। किस चीज़ से मारपीट की है? किस चीज़ से मारपीट की है? अब हम लोग तो वहाँ पर नहीं थे, हम लोग को जानकारी मिली। ये बता रहा है, चलो चेक करने आए। कोई जमीनी विवाद रहा है, ये काम करते रहे हैं उसमें, कोई सरदार है, काफ़ी सरदार बोलते हैं उसको, वो उनके दो भतीजे थे और एक और था, व्यक्ति 4 लोगों ने इनको एक राय होकर मारपीट किया है, और उसको बता रहा है फॉरेस्टर के आगे चला के यहाँ फेंक दिया, उसको फ्रैक्चर लग रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, राड से मारपीट किया है, राड से डंडों से मारा है, मुलाजा हो जाए, एक्शन हो जाए, कार्रवाई, अपराध कायम किया जा रहा है उसको। सर उनका कहना है कि 294, 504, 506, 34 उल्टी भी हो रही है उनको, तो इससे ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर है। सर मुख्य वजह क्या बताई जा रही है मारपीट की? जमीनी विवाद है, जमीन का विवाद है, ये पहले उनका जमीन जोतते रहे उसका किसान सरदार की, फिर का कुछ लेन देन का मामला रहा, इनने वो जाके उनको बोला कि भैया हमारा हिसाब कर दो, इस बात पर से फिर उन लोगों ने सरदार है काके उनके भतीजे दो और एक व्यक्ति और 4 लोगों ने मारपीट किया। ये देवरान क्षेत्र का मामला है, 0 पे कायमी करवा रहा है, तो देहात क्षेत्र भेजा जाएगा।